बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मौजूद ख़वातीनों हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बहन भाइयों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। प्यारे बहन भाइयों, आज का जो अमल है वो सूरत इखलास का अमल है, जिसके करने से अल्लाह पाक उसे 9 बड़े इनाम अता फरमाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। फ़ायदा नंबर एक, इस अमल के करने का पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक 300 दरवाज़े गज़ब के बंद फरमाएगा। मसलन दुश्मनी, कहर या कोई मुसीबत और बेशुमार बीमारियों से हिफाजत और इस तरह के बहुत सारे अजाब अल्लाह पाक उठा लेगा। फ़ायदा नंबर दो, 300 दरवाज़े रिज्क के खोलेगा और आपके वहम व गुमान से भी ज़्यादा आपको रिज्क अता किया जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह पाक 300 दरवाज़े अपनी रहमत के खोलेगा, जो उस शख्स की मुश्किल वक्त में मदद करेगी। चौथा फ़ायदा, अल्लाह पाक उसे दीन और दुनिया का इल्म अता फरमाएगा। ये इल्म बातनी इल्म भी होगा और बातनी इल्म के साथ साथ उसे बर वक्त फ़ैसला करने की सलाहियत भी अता की जाएगी। छठा फ़ायदा, पांचवा फ़ायदा ये होगा कि 36 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। और इसी तरह छठा फ़ायदा, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे, सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। और सातवां फ़ायदा ये होगा, जन्नत में 20 महल तैयार किए जाएंगे जो याकूत व मरजान से बने होंगे। हर महल के 70,000 दरवाज़े होंगे। और आठवां फ़ायदा ये है कि उस शख्स के नामे आमाल में 2,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। नौवां फ़ायदा ये है कि जब वो शख्स मरेगा तो 1,10,000 फरिश्ते उसके जनाजे में शरीक होंगे, जो मरने वाले पर और सारे लोगों पर जो जनाजे में शरीक होंगे उन सब पर अल्लाह की रहमत बरसाएंगे। सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह। प्यारे दोस्तों, वो अमल ये है कि दिन में या रात में किसी भी वक्त रोज़ाना 300 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर वो सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, फिर अहले बैत को और सारे लोगों को बख्श दे। आखिर में दुआ है अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।